नमस्कार, वर्ल्ड दर्पण में आपका स्वागत है। मैं जितेंद्र कुमार आज लेके आए कुछ खास नया वीडियो के साथ। आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं सीआरपीएफ सब इंस्पेक्टर एसआई का जो पोस्ट निकला हुआ है उसका आप ऑनलाइन कैसे करेंगे, ऑनलाइन करने का क्या है प्रोसेस, कौन सा वेबसाइट में जाता है और किस प्रकार ऑनलाइन करते हैं, स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले। ऑनलाइन करने से पहले इसका वेबसाइट जानना जरूरी होता है, तो यहाँ पे आप देख लीजिए rect.crpfgovernment.in। इसको करना है, जैसे आप ये कीजिएगा तो आपका जो होम पेज है इस प्रकार आपका खोल के आ जाए, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स का। और ये आने के बाद आपको क्लिक है तो अप्लाई पोस्ट यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पे क्लिक करते हैं उसके बाद आपके सामने दो ऑप्शन आ जाएगा, एक रजिस्टर और एक लॉगिन। अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करेंगे, नहीं तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक करना है। तो इसका देख लेते हैं कि लास्ट डेट 21/5/2023 तक है। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 200 फीस रखा गया और एसआई पोस्ट जनरल के लिए ओबीसी के लिए 100 रुपया, एससी एसटी के लिए कोई चार्ज नहीं लगेगा, ठीक है। 18 से 25 तक दिया हुआ है और इंस्पेक्टर के लिए 30 वर्ष के लिए, तो सभी पोस्ट के लिए दिया हुआ। आरओ के लिए 19, क्रिप्टो जो भी है टेक्निकल के लिए 5, सभी पोस्ट को यहाँ पे, और सिविल के लिए 20 दिया गया है टेक्निकल 146। तो इसको आप नोटिफिकेशन में इसको पूरा डिटेल से पढ़ लेना है, उसके बाद आपको क्या करना है यहाँ पे ऑनलाइन करने के लिए आपको ये साइट खुल जाएगा। ये वेबसाइट डालने के बाद यहाँ पे वेबसाइट लिखा हुआ है, जैसे आप कीजिएगा तो आपको सीआरपीएफ का ये निकल जाएगा, उसके बाद क्लिक है तो अप्लाई पे क्लिक करना है तो आपको इस प्रकार का साइट डैशबोर्ड में खुल के आ जाएगा। ये आने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है कि अब रजिस्टर पे आपको क्लिक कर देना है, अगर रजिस्टर हो चुके हैं तो डायरेक्ट लॉगिन पे क्लिक कर जाना। तो चलिए हम यहाँ रजिस्टर पे क्लिक करते हैं। जैसे रजिस्टर पे क्लिक करते हैं थोड़ा सा वेट कीजिएगा तो आपके सामने इस प्रकार का आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे पोस्ट पूछा जाएगा आपके कि किस पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पोस्ट को आपको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। इसको जैसे आप सिलेक्ट करते हैं तो पोस्ट कोड यहाँ पे आ जाएगा, उसके बाद नाम लिख लेना है, मोबाइल नंबर लिख लेना है, कन्फर्म मोबाइल नंबर लिखना है, अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर है तो इसको लिख लेना है, ईमेल आईडी कन्फर्म मेल आईडी, उसके बाद आपको आई एग्री करके आपको कैप्चा डाल के आप सेवन नेक्स्ट पे क्लिक हो जाना है। जैसे आप यहाँ पे रिव्यू पे क्लिक कीजिएगा तो आपका अगला जो डैशबोर्ड खुल के आएगा, तो जैसे आप रिव्यू पे क्लिक कीजिएगा कैप्चा डालने के बाद आपको, तो इस प्रकार का आपका डैशबोर्ड खुल जाएगा। यहाँ पे आपको नाम दिख जाएगा, मोबाइल नंबर दिख जाएगा, ईमेल आईडी दिखना है, तो सभी को आपको चेकबॉक्स पे आपको क्लिक कर देना है, रिव्यू पे ओके कर देना है। रिव्यू पे ओके करने के बाद अगला जो आपका डैशबोर्ड खुल के आएगा, तो यहाँ पे जैसे आप इनबॉक्स पे क्लिक करने के बाद आपको सबमिट पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे सबमिट पे क्लिक करते हैं तो अगला जो पेज आपका खुल के आएगा, अगला पेज आपका इस प्रकार का खुल के आ जाएगा। उसके बाद यहाँ कि आपको आई एग्री पे आपको क्लिक कर देना है। आई एग्री पे क्लिक करने के बाद यहाँ फिर आपको ओके पे क्लिक करने के लिए बोलेगा, ओके पे आपको क्लिक कर देना है। तो इस प्रकार आपका जो है रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल्ली का मैसेज आ जाएगा। रजिस्ट्रेशन आ जाने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल्ली का मैसेज आ जाएगा, उसके बाद आपको यह मेल में आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और आपका पासवर्ड चला जाएगा। उसके बाद यहाँ से आपको क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद आपको यहाँ क्या होगा, आपको डिटेल दिख जाएगा, नाम क्या है आपका, रजिस्ट्रेशन नंबर क्या, एप्लीकेशन नंबर क्या है, ईमेल आईडी क्या है। उसके बाद यहाँ पे आप देखिएगा गो टू एप्लीकेशन, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप गो टू एप्लीकेशन पे आपको क्लिक कीजिएगा तो इस प्रकार डैशबोर्ड आ जाएगा। थोड़ा सा नीचे कीजिएगा तो आपका पूरा डिटेल आ जाएगा, ऊपर में आपको पूरा डिटेल दिख जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ क्या पूछा जाएगा कि आपको प्रेफरेंस टेस्ट एग्जाम सेंटर, तो आप किस टेस्ट एग्जाम सेंटर में जाना चाहते हैं उसको आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना। सेलेक्ट करने के बाद आप उसके बाद यहाँ पूछा जाएगा सिटी, तो आपको यहाँ पे सिटी सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे आप सेकेंड में आपको जो सेंटर, एक सेंटर दूसरा सेंटर आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, तो यहाँ पे आपको दूसरा सेंटर आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। वो करने के बाद जैसे हमने रांची दिया था तो आप अगर स्टेट दूसरा डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिएगा, फिर आपको तीसरा आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, तो आपको दूसरा सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे आपको दूसरा सेलेक्ट कर लेना डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद यहाँ पे पूछा जाएगा कि आपके पास एक सर्विस मैन है तो यस कीजिएगा, अन्यथा नो पे आपको क्लिक कर देना। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट में कोई जॉब करते हैं तो उसको करना है, नहीं तो नहीं, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना। उसके बाद आपको यहाँ पे सेव कर देना है, सेव करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देना। सेव एंड नेक्स्ट क्लिक करने के बाद, तो जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको पूछा जाएगा कि आपका एड्रेस क्या है, तो आपका जो भी एड्रेस है एट पोस्ट डिस्ट्रिक्ट और इसे स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद पिन कोड डाल के, अगर प्रेजेंट परमानेंट आपको सेम है तो आपको सेम पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको पुनः आपको सेव एंड नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो अगला पेज आपका इस प्रकार के खुल के आ जाएगा। इसमें आपको मेट्रिकुलेशन, आपको बोर्ड पूछा जाए किस बोर्ड में किए हैं, आप कब पास किए हैं,
ठीक है, उसके पास जब कि उसका इंस्टीट्यूट का नाम, उसके बाद आपको यहाँ पे आपका परसेंटेज या सीजीपी जो भी है उसको सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको कितना नंबर आया था, जैसे 500 का नंबर पूछता है उसमें कितना लाए थे, ऑटोमेटिक आपका यहाँ परसेंटेज आ जाएगा। फिर आपको सेम उसी तरह यहाँ पे इंटर का लिखना है, इंटर का लिखने के बाद आपको इसी प्रकार ग्रेजुएशन का लिखना है कि कहाँ से किए हैं, इंस्टीट्यूट का नाम क्या है, सब्जेक्ट कौन सा रखे थे, मैथ फिजिक्स और कंप्यूटर साइंस। वो करने के बाद आपको यहाँ पुनः आपको सेव एंड नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा तो आपका अगला स्टेप खुल के आ जाएगा। इसके यहाँ पे पूछा जाएगा पासपोर्ट साइज चाहे स्कैन फोटो करना है, अपलोड करना है, उसके बाद सिग्नेचर अपलोड करना है, उसके बाद आपको मार्कशीट अपलोड करना है, फिर 12 का मार्कशीट अपलोड करना है, उसके बाद डिग्री डिप्लोमा डिग्री सर्टिफिकेट अपलोड करना है, उसके बाद आप कास्ट सर्टिफिकेट लो। कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड इसीलिए कर रहा है क्योंकि जो आपने डाला है एससी के लिए डाला था, एससी के लिए कोई फीस नहीं लगता है, इसलिए आपको ये कास्ट सर्टिफिकेट जो है वो आपको यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे टिक कर देना है सभी बॉक्स पे और इसको यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे हम सेलेक्ट करते हैं अपलोड करने के लिए, हमसे यहाँ पूछा जाता है कि बोलता है कि 50 से 100 के बी के बीच में होना चाहिए और DPI 200 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इसको यहाँ से आपको अपलोड करना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो अपलोड MB कैसे करना है, पेंट में जाकर राइट क्लिक रिजोल्यूशन, वहाँ से आपको कम कर लेना है। तो यहाँ पे अपलोड कर दीजिए सभी को एक एक करके। तो जैसे आपका यहाँ अपलोड हो जाएगा तो आपको यहाँ पे टिक हो जाएगा और यहाँ पे ऐसे आप व्यू देख सकते हैं, ठीक है। अगर अपलोड नहीं होगा तो यहाँ आपको टिक नहीं होगा। इसी तरह करके आपको सभी को अपलोड करना है। तो जैसे हम अपलोड करते हैं तो यहाँ पे देखिएगा, हमें अपलोड नहीं करना क्योंकि मेरा जो है सही साइज में नहीं है, 50 और 100 के बी के अंदर होना चाहिए, तो इसको हम 50 और 100 के बी के अंदर में करेंगे। तो जैसे आप प्रीव्यू पे क्लिक कीजिएगा तो आपका प्रीव्यू में देख लीजिएगा, आपका पूरा डिटेल यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद यहाँ से आपको ओके पे क्लिक कर देना है। जैसे आप प्रीव्यू देखने के बाद सबमिट कीजिएगा तो आपका इस प्रकार का डैशबोर्ड आ जाएगा। उसके बाद यहाँ से आपको आई एग्री पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ आपका सक्सेसफुली का और मैसेज आ जाएगा और आपका फॉर्म कंप्लीट हो गया। तो इसके बाद यहाँ पे आपको साइड में आपको प्रिंट का ऑप्शन मिल जाएगा। SC के लिए हमको पेमेंट करने का इसलिए ऑप्शन नहीं मिला क्योंकि हमने SC कैटेगरी पे सिलेक्ट किया था। तो आपके अगर अदर कैटेगरी के लिए आप करते हैं तो आपको पेमेंट करना पड़ेगा, चाहे नेट बैंकिंग हो या कुछ भी। तो यहाँ से प्रिंट आउट करके आप निकाल कर रख सकते हैं। तो इस प्रकार आप फॉर्म को भर सकते हैं। धन्यवाद।